रीजेंसी पब्लिक स्कूल सीतापुर में संपन्न हुई प्रज्ञा अंतर सदन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम ने प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता में एक तारा सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया गया और समूह गान के छात्रों ने धैर्य एवं उत्साह की प्रेरणा दी। प्रतियोगिता में वर्ग आ से पक्ष की ओर से प्रथम यशपुरी एवं द्वितीय स्थान पर भव्या श्रीवास्तव रही। उसी क्रम में विपक्ष में प्रथम राधिका सोनी, द्वितीय स्थान सौम्या चौधरी का रहा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ग बा से प्रथम शौर्वी जयसवाल, द्वितीय स्थान निमेश दीक्षित का रहा। विपक्ष से प्रथम हर्ष रस्तोगी तथा द्वितीय स्थान रिदम श्रीवास्तव का रहा। वर्ग सा से प्रथम मनराज और द्वितीय स्थान स्वामी सिंह तोमर का रहा। वहीं विपक्ष से प्रथम मनप्रीत कौर संधु, द्वितीय स्थान समृद्धि सिन्हा का रहा। वर्ग दामे पक्ष में प्रथम अनंत मिश्रा तथा द्वितीय स्थान नंदिनी कपूर का रहा। विपक्ष से पूजा सिंह और प्रथम और द्वितीय स्थान आर्ची यादव का रहा। सर्वश्रेष्ठ वक्ता अनंत मिश्रा रहे तथा मंच संचालक के रूप में कुशल अग्रवाल विजेता रहे। रिजेंसी शैक्षिक समूह के संस्थापक MF जैदी ने मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम का आभार व्यक्त करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया। रिजेंसी पब्लिक स्कूल सीतापुर में सत्र 2022 में निर्धारित विभिन्न प्रतियोगिताओं की श्रृंखला चरणबद्ध रूप से धीरे धीरे संपन्न होती जा रही है। इसी क्रम में विद्यालय में अंतर सदन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषा में तर्क देते हुए निर्धारित विषयों के पक्ष एवं विपक्ष में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ये प्रतियोगिता 4 चरणों में हुई। पहला वर्ग आ कक्षा 9 के लिए, दूसरा वर्ग बा कक्षा 10, तीसरा वर्ग सा कक्षा 11, चौथा वर्ग दा कक्षा 12 के प्रतिभागियों के लिए था। प्रतियोगिता आधुनिकीकरण के दौर में नई पीढ़ी संस्कारों से दूर होती जा रही है। खाद्य प्रणाली को ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण माना गया, क्या इसमें परिवर्तन लाना चाहिए? मनोरंजन के लिए आधुनिक साधनों ने व्यक्ति को घर के अंदर रहने के लिए विवश कर दिया है और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा या बुरा स्पष्ट कीजिए आदि विषयों पर संपन्न हुई।